पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बात करेंगे इंग्लैंड की, बात करेंगे बेन स्टोक्स की, क्योंकि भाई इंग्लैंड बहुत दिक्कत परेशानी में नजर आ रहा है। और अब तो ये हालत हो गई है कि इंग्लैंड के लिए बोला जा रहा है कि वो टॉप फोर के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा, जिसे बोले, डिसअपॉइंट किया अपनी बैटिंग से, अपनी बॉलिंग से, और एक तरीके से बोले जॉस बटलर की कैप्टनसी पे बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो चुके हैं। इंग्लैंड ने फिलहाल 3 मुकाबले खेले हैं जिनमें से उनको 1 में जीत हासिल मिली है बांग्लादेश के अगेंस्ट। उसके अलावा 2 मुकाबले बुरी तरीके से इंग्लैंड ने वहां पे हारे हैं। और अफगानिस्तान वाला तो भाई कोई नहीं भूल सकता, जिस तरीके से वहां पे उलटफेर हुआ, अपसेट हुआ। संडे को वो मुकाबला था, दिल्ली में वो मुकाबला खेला गया, जहां पे अफगानिस्तान ने भाई इंग्लैंड को 69 रनों से वहां पे बड़ी हार दी। तो आने वाले मैचेस में क्या होगा इंग्लैंड का, क्योंकि जो उनके स्टार खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स अभी इंजरी की वजह से वहां पे बाहर नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, उनके जो हेड कोच हैं मैथ्यू मॉट ने ये बोला है कि हमें ये उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मुकाबला इंग्लैंड ने खेलना है 20 तारीख को मुंबई में वानखेड़े में वो मुकाबला खेला जाएगा, जिसके लिए बेन स्टोक्स वहां पे अवेलेबल हो सकते हैं। आपको पता है कि जब बेन स्टोक्स ने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन वनडे क्रिकेट के लिए, जिसे बोले कि वर्ल्ड कप के लिए, उन्होंने अपना रिटायरमेंट से वापसी करी थी और बोला कि मैं वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल रहूंगा। और जॉस बटलर ने हो सकता है उनसे बातचीत करी हो, टीम मैनेजमेंट ने उनसे बातचीत करी हो कि आप वर्ल्ड कप खेल लीजिए, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लेना। वर्ल्ड कप के लिए वो वापस आते हैं, लेकिन इंजरी की वजह से वो शुरुआत के 2 या 3 मुकाबले नहीं खेल पाते। और अब तो ये है कि आने वाले मुकाबलों में भी अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इंग्लैंड के लिए अच्छी खबर है कि जो उनके हेड कोच है मैथ्यू मॉट, उन्होंने ये बोला है कि साउथ अफ्रीका के मुकाबले के लिए हो सकता है बेन स्टोक्स अवेलेबल हो, क्योंकि बेन स्टोक्स से खेलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको पता हो कि 2019 वर्ल्ड कप था, उसमें भी बेन स्टोक्स का बहुत बड़ा रोल था टीम को जिताने के लिए फाइनल में। 2022 जो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें भी बेन स्टोक्स का बहुत बड़ा रोल था टीम को वर्ल्ड कप जिताने के लिए। तो बेन स्टोक्स इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में उनका खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंग्लैंड को कुछ अच्छा करना है वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जीतना है, तो इस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि बेन स्टोक्स एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी गेम को पलट सकते हैं, चाहे वो बैटिंग से हो, चाहे वो गेंदबाजी से हो। हालांकि इस वर्ल्ड कप में वो गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन बैटिंग से हो सकता है आपको जलवा बेन स्टोक्स का वहां पे नजर आए, दिखाई दे। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा ट्रेंड होने लगे कि यार वर्ल्ड कप के लिए तो आप आए थे, और जब तक आप फिट होंगे तब तक इंग्लैंड की कैंपेन ही ना खत्म हो जाए। तो साउथ अफ्रीका वाला बड़ा मुकाबला होगा, मुंबई में मुकाबला खेला जाएगा 20 तारीख को, और वहां पे बेन स्टोक्स अगर अवेलेबल रहते हैं तो इंग्लैंड के लिए बहुत बढ़िया चीज होगी, गुड न्यूज होगी कि बेन स्टोक्स अगर वो प्लेइंग 11 में रहते हैं तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के वहां पे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जिस तरीके से इंग्लैंड को डेंट पड़ा है यार, अफगानिस्तान ने जिस तरीके से धोया है और जिस तरीके से हराया है, तो भाई ये उनके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेन स्टोक्स जब आते हैं तो कहीं ना कहीं टीम को वो बैलेंस मिलता है। मिडल ऑर्डर में वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, गेंदबाजी हो सकता है कि वो ना डाले, क्योंकि गेंदबाजी डालने के लिए अभी मना किया गया उनकी फिटनेस को देख के, लेकिन बैटिंग से वो भाई वहाँ पे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो आप भी बताइए इंग्लैंड के लिए जो ये खबर है मैथ्यू मॉट ने जो बताया है कि वो हो सकता है साउथ अफ्रीका वाली गेम के लिए अवेलेबल रहे, जो उनकी फिटनेस है उस पर काम चल रहा है और अभी वो एक तरीके से फुल्ली फिट नजर आ रहे हैं, तो गुड न्यूज है इंग्लैंड के लिए। अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका वाले गेम में वो अवेलेबल रहते हैं या नहीं रहते, और इंग्लैंड के लिए कितना जरूरी है वो गेम जीतना, क्योंकि अगर वो गेम हारते हैं तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की वर्ल्ड कप की कैंपेन वहां पे समाप्त हो जाएगी। अगर वो 3 मुकाबले हार जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल चलते हैं, जय हिंद जय भारत।